नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बी एड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मैं आज जो लेके आया हूं वो थर्ड पेपर है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लेट आई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट फ्रेंड्स मैं कुछ बिजी रहा था कुछ टाइम, तो इसलिए आज मैं लेके आया हूँ थर्ड पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स इसका नाम, अधिगम एवं शिक्षा शिक्षण। तो अधिगम और शिक्षण होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको वो क्लियर क्लियर बताने देना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसमें डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। बट पहली चीज़ सीखेंगे हम अधिगम। अधिगम जो होता है फ्रेंड्स, जो अधिगम है, अधिगम अधिगम के बारे में क्या है, हम जो सीखते हैं यानी जो बच्चा सीखता है अध्यापक के द्वारा, तो वो सीखी हुई क्रिया अधिगम कहलाती है। जिस तरीके से वो सीखता है, जो क्रिया होती है, वो ही अधिगम है। अधिगम का मतलब सीखने से ही होता है। ओके फ्रेंड्स, और जबकि शिक्षण, शिक्षण का मतलब देखो ये क्लियर पॉइंट है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बनी हुई है। शिक्ष का मतलब भी सीखना ही होता है, लेकिन ये सीखना अलग टाइप है। जैसे शिक्षा का मतलब सीखना ही नहीं, सीखने के बाद सिखाना भी होता है। ओके फ्रेंड्स, जबकि अधिगम का मतलब केवल केवल सीखने से होते हैं। ओके, जब उसमें प्रत्यय लगता है, शिक्ष धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो शिक्षा बन जाती है, और शिक्षा जब बनती है तो उसका स्पष्ट अर्थ निकलने लग जाता है, सीखना और सिखाना। ओके फ्रेंड्स, तो अधिगम भी सीख चुके हैं, अब हम शिक्षा भी सीख चुके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन के जानेंगे कौन कौन से सही आंसर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है वो उसको देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है। जो प्राचीन है, अभी का नहीं पूछ रहा, प्राचीन पूछ रहा, पुराना पुराना जो भारतीय मनोविज्ञान है, तो वो उसमें मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है। तो आपके लिए ऑप्शन है इंद्रियों का, अंतःकरण का, आत्मा का और मन का। तो सीधे सीधे इसका जो आंसर बनता है वो अंतःकरण का है। फ्रेंड्स, अंतःकरण का पहले अध्ययन किया गया। अंतःकरण बोलते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जस्ट लाइक थिंकिंग। ओके, तो अंतःकरण का वही है मतलब। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। देखो मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान को हम जानेंगे, मनो यानी इसमें कई मन, ठीक है। ओके, मन से, मन का मतलब एक मन, और मनो मतलब ज्यादा हो गई। ओके फ्रेंड्स, ऐसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको बहुत क्लियर बता दूंगा। अभी ये थोड़ा डाउटफुल है, आप इसके सीखेंगे बस ओनली ऑन, तो इसी के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, मनो धन विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, अब आप सीख चुके हैं क्या मनोधन विज्ञान, क्या मनोधन विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, मनोधन विज्ञान आप सीख चुके हैं। अब मनोधन विज्ञान का मतलब मन और विज्ञान से है। आप ये भी अब समझ गए होंगे कि मन और विज्ञान से बना है मनोविज्ञान। ओके फ्रेंड्स, तो अब मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मन का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान, तन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान। तो आप सीधे ऑप्शन लगा सकते हैं अब तो, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। ओके फ्रेंड्स, अब आगे आगे तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी ये, इसकी स्पेलिंग दे दी गई है। ओके, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। तो ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब में कॉमन सेंस होता है कि जो भी, जितनी भी भारतीय हो नहीं सकती, नेपाली हो नहीं सकती, और आपकी यहाँ से वहाँ तक है तो ये भी जर्मनी हो नहीं सकती। ज़्यादातर जो बने होते हैं शब्द वो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से बने हुए होते हैं। ओके, तो जब भी कुछ आए तो ग्रीक या लैटिन जो भी हो वो आप चुन सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान क्या है, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान है क्या, उससे स्पष्ट हो जाएगा मनोविज्ञान क्या है। तो ये जो पूछ रहा है मनोविज्ञान क्या है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान एक वस्तु है, मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है, मनोविज्ञान मानव इतिहास का विज्ञान है, और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, आप ही यहाँ पे ही सीख चुके, मन या व्यवहार, बात वही पड़ती है, एक सेंस है। आप ना समझ पाए तो इसके लिए, जैसे कि मन, आपका मन हुआ आप खाएंगे, आप पिएंगे, आप सोएंगे, यही है ना।
और मन होगा वैसा ही तो व्यवहार करेंगे। तो स्पष्ट है मन मन धन व्यवहार। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपस में मिली हुई हैं, मन और व्यवहार। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? मनोविज्ञान, मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है यह कथन है। यानी ये जो कथन कहना चाह रहा है वो क्या कह रहा है, मानव और पशुओं के लिए एक विज्ञान बनाया गया जिसका नाम मनोविज्ञान है। अब ये जो कथन, ये जो बात कही है, कथन है, वो किसने कहा है? इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं मॉर्गन, पिल्सबरी, स्किनर या रूसो। तो इसमें आपको सीधा लगा देना है, कुछ सोचना भी नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, इसमें जो है वो मॉर्गन है, मनोविज्ञान मॉर्गन का है। ओके, या माँ, माँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मॉर्गन, यानी यो बात, ऐसी बात जो मानव और पशु दोनों के लिए कॉम्बिनेशन बन जाए, वहां पर कोई और ऑप्शन छोड़ना ही मत, सिर्फ मॉर्गन ही लगा देना आप, आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे मनोविज्ञान में मानव और पशु जब भी आएंगे, व्यवहार आएगा या कोई और बात कही जाएगी, मानव और पशु दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, तो आपको सीधा मॉर्गन ही लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया जाता है? देखो, इसमें मनोविज्ञान तो है लेकिन उसके आगे पाश्चात्य लगा दिया गया है। अब ये मनोविज्ञान की एक शाखा बोल सकते हैं इसको, एक पेड़ है मनोविज्ञान नाम का, जिसकी एक शाखा है उसका नाम है पाश्चात्य मनोविज्ञान। ओके फ्रेंड्स, ऐसे समझ लीजिए, ये पेड़ हो गया, ओके, और इसकी एक ये शाखा है, यही शाखा है पाश्चात्य मनोविज्ञान, यानी इससे रिलेटेड है ये। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे इसमें सीखेंगे क्या है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें इसके बाद जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ मैं, तो उसमें अच्छा इंटरेस्ट लीजिए आप और अच्छे से कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है हमेशा, मैंने पहले भी वीडियो में बुलाया और अब भी कह रहा हूँ, 70% प्लस आएंगे आप अगर ये पढ़ेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है इंद्रियों का, मन का, आत्मा का या व्यवहार का। तो सीधे सीधे अभी हम थोड़ी देर पहले सीख के गए थे मनोविज्ञान का है, तो मनोविज्ञान से रिलेटेड अब कौन सा है आप लगा सकते, इसमें जो बताना है पाश्चात्य से, तो पाश्चात्य से व्यवहार आता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेंगे, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? सर्वप्रथम किसने अलग किया? आप समझ चुके होंगे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो बिना कुछ बोले ही आपको लगा देना है सर्वप्रथम मनोविज्ञान में आए। तो जब भी मैंने कहा होगा तो तब यही कहा होगा, जब भी सर्वप्रथम आए और मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो कुछ सोचना ही नहीं है, बुंट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ विलियम बुंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन है। यानी ये कथन है कि पहले यह त्याग किया, आत्मा का विज्ञान था पहले तो वो भी त्याग कर दिया उसने, अब फिर चेतना का विज्ञान बन गया, फिर वो भी त्याग कर दिया उसने, अब व्यवहार का है। ओके, तो ये अब किसका कथन है वो आपको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, आप इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे, वुडवर्थ, मॉर्गन, स्किनर, लॉक। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो वुडवर्थ है, वुडवर्थ का ये कथन है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? तो किसने की थी, सर्वप्रथम आ गया मनोविज्ञान में, सर्वप्रथम आ गया, दूसरा ऑप्शन लगाना नहीं है, सीधे सीधे क्या लगाना है, बुंट लगाना है, आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं इसको, क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन है। फ्रेंड्स, कथन ज्यादा आते हैं इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना आपको,
क्योंकि इसमें जो जितनी भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर गौर दे के तभी चलना है आपको। और हाँ, ये एक दो बार देख लेंगे वीडियो आप, तो शायद मुझे लगता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लगाते जाएंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है या कथन है, तो ये कथन किसका है ये पूछना चाह रहा है ये, तो सीधे सीधे हम लगा सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद सीधे ही लगा देंगे, मैं आपको सीधा बता दूंगा। इसमें पहला ऑप्शन है वाटसन है, पहला ऑप्शन वाटसन है, दूसरा पिल्सबरी है, तीसरा स्किनर है, और चौथा आपका मॉर्गन है। चौथा आपका मॉर्गन है, और इसमें जो सही है वो सीधे सीधे वाटसन है। जो वाटसन है वो सही है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और ट्रिक है, वो क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। मनोविज्ञान में जब भी व्यवहार की बात आए और उसमें पूछा जाए आपसे वैज्ञानिक, तो वाटसन ही लगाना आप। ओके, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में व्यवहार की बात आए, जब भी बिहेवियर बिहेवियर की बात आ जाती है तो आप वाटसन ही लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्या है 11 में, मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का टारगेट होता है, क्या सिखाना है वो चीज़ उसमें होती है निहित। अब आपको हिंदी पढ़ेंगे तो इससे क्या सीखेंगे आप, हिंदी से सीखेंगे अच्छी तरह से बोलना है, अच्छी तरह से हिंदी को लिखना, अच्छी तरह से उसका अर्थ समझना, और अर्थ समझने में अनेक तरह के व्याकरण लग जाते हैं हिंदी के, जैसे कि रस छंद अलंकार हैं, तो उसी के टारगेट के अनुसार अब मनोविज्ञान के भी टारगेट हैं। मनोविज्ञान के टारगेट क्या हैं, देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान थोड़ी डिटेल से बात करेंगे इसमें, जिसके समझ में अच्छा आएगा। ओके, तो अभी मैं जो क्वेश्चन है 11वां उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी आप समझ लीजिए लक्ष्य क्या क्या है। पहला मनोविज्ञान का जो पहला लक्ष्य है, गोल, वो जो है वो विद्यार्थियों को लेकर है, स्टूडेंट्स। दूसरा जो गोल है वो व्यक्तियों को और समाज को लेकर है। ओके फ्रेंड्स, आपके दो टारगेट हो गए यहाँ पे, एक स्टूडेंट्स हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स, और दूसरे में जो हो जाते हैं वो आपकी सोसाइटी, सोसाइटी आ जाएगी समाज। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दो हो गए, क्या हो गए, दो हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा सोसाइटी। तो इन दो टारगेटों, और भी कई टारगेट हैं मनोविज्ञान के, लेकिन मुख्यतः ये दो हैं। तो अभी आपका इसमें जो टारगेट है वो क्या नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, वर्णन का माप, वर्णन का माप मतलब मापन, सॉरी, वर्णन का मापन मतलब, वर्णन का मापन ये है कि जैसे भी कोई भी चीज विख्यात होती है मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो उसका जो मापन यानी उस पर जो कार्रवाई या उसका जो मापदंड लगाया जाता है, जो भी हल निकलते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान, तो किसी ने कैलकुलेट भी तो किया हुआ ये मन का विज्ञान, तो उसी तरह मापदंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो इसमें मनोविज्ञान में होता है। अच्छा, पूर्ण अनुमान तथा नियंत्रण। पूर्ण अनुमान का मतलब है, देखिए मैं थोड़ा खंड करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आए, पूर्व अनुमान का मतलब है पुराना अनुमान, जैसे कि उसके पिताजी ये खाते थे, अनुमान लगा के कह रहे हैं, पिताजी है नहीं है लेकिन क्या है, एक अनुमान था कि ये नहीं खाते, तो मतलब वो पुराना अनुभव है, हमें ये मालूम है कि वो ये नहीं खाते, इसका मतलब हम अनुमान लगा के कर रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है मनोविज्ञान में, पूरा ही मनोविज्ञान जो चलता है वो अनुमान पर आधारित है। अनुमान नहीं होगा तो मनोविज्ञान नहीं होगा, ये समझ लें आप। तो अनुमान तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण ये भी इसमें आ जाएगा क्योंकि वर्णन और ये बता ही चुका हूँ मैं। अच्छा, खाद्य एवं सुरक्षा ये नहीं आता, ये आप ऑप्शन से ही समझ गए होंगे, खाद्य एवं सुरक्षा ये क्या मतलब है, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत कोई पार्ट है ही नहीं। खाद्य यानी खाना, जो भोजन होता है अपना, ये नहीं चबा के खाना, भोजन खाद्य। एवं सुरक्षा, सुरक्षा या सेफ्टी, सेफ्टी क्या मनोविज्ञान करता है, नहीं ना, तो ये पार्ट इसका नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ओके मैंने बताया स्टूडेंट से रिलेटेड, ये आ गया शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके अंतर्गत, इसके सभी हम ऑप्शन पढ़ लेंगे। अ, क्या कह रहा है, अ, शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है,
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। आगे पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के मन एवं आचरण का अध्ययन है। आगे पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान एक अच्छा विषय है। तो इसमें तो कोई बात जमेगी नहीं कि अच्छा विषय है, विषय तो ज़्यादातर जिसमें इंटरेस्ट हो आपका वो सभी अच्छे होते हैं। ओके, अच्छा जो इसमें मेन चीज़ है मैं आपको बता दिया है पिछली भी वीडियो में कि आप अगर नहीं जानती हैं कुछ भी, अगर ऑप्शन दिया जाता है सबसे बड़ा वाला, ओके, तो वही लगा दें आप सबसे बड़ा वाला, ये बहुत काम करता है ये वाला फंडा, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन। वैसे इसका सही ये भी है, ये ही है सही, ये ही है, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, महत्व इम्पोर्टेंस। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, खेल द्वारा शिक्षा देने में महत्व, दूसरा है बालक की व्यक्तिक विभिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में महत्व, तीसरा है विद्या में शांति कायम करने में महत्व, चौथा है अध्ययन काल समाप्त करने पर रोजगार दिलाने में महत्व। तो इसका मैंने आपको बताया था, बड़ा वाला समझ लो या थोड़ा समझ के कर लो, बा आएगा, क्योंकि ये रोजगार की बात कर रहा है तो उसमें आएगा नहीं। अच्छा, विद्यालय में शांति कायम, ये भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि शांति कायम तो खुद शिक्षकों को अलग देना होता है, और खेलकूद में मनोविज्ञान कुछ नहीं करता है। ओके, तो इसका जो महत्व है वो बा में दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया, मनोवैज्ञानिक, पेस्टोलॉजी मन ने, ड्रेवर ने, हीगल ने, बुंट नहीं आया, देख लें आप, अगर बुंट आता बुंट को लगाते आप, बट यहाँ पे बुंट नहीं है तो सीधे सीधे आप पेस्टोलॉजी लगाएंगे, पेस्टोलॉजी इसका सही है। ओके, जान लें आप, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, आप पढ़ लें ऑप्शन इसमें जो सही है वो आप ऐसे ही लगा सकते हैं या आप समझ के भी लगा लें, मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। पहला है दंड देने में सरलता होती है, नंबर वा समय की बचत होती है, नंबर सा बालक के व्यक्तिगत को पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, नंबर चार बालक के घर का पता आसानी से चल जाता है। तो आप मतलब भी समझ गए होंगे और सबसे बड़ा वाला भी समझ गए होंगे, बाल सा लगाना है, सा लगाना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्य किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन पढ़ लें इसके, ऑप्शन क्या है, अ सामाजिक विधियां, ओके, वैज्ञानिक विधियां, दूसरा है आत्मगत विधियां या वस्तुगत विधियां, तीसरा है आर्थिक विधियां या चरित्रिक विधियां, चौथा है धार्मिक विधियां या नैतिक विधियां। तो सीधी बात है इसमें जो सही होगा आप भी जानते हैं कौन सा सही होगा, देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा वाला या बा वाला, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बाह्य दर्शन विधि, 17वां क्वेश्चन, बाह्य दर्शन विधि के जनक हैं वो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जॉन वी वाटसन, कामटे, नन या रसेल। तो इसमें जो है जॉन वी वाटसन है। ओके, आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मगत विधियों के अंतर्गत कौन सी दो विधियां मुख्य हैं, यानी आत्मगत विधियां हैं उनके अंतर्गत दो विधियां ऐसी हैं जो मुख्य हैं, मेन हैं,
तो उनको ही बताना है मुख्य विधियों को। तो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं वो आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद मान पड़ेंगे। ओके तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है प्रयोगात्मक विधि एवं तुलनात्मक विधि। ओके दूसरा है सांख्यिकीय विधि या परीक्षात्मक विधि। ओके फिर तीसरा है अंतर्दर्शन विधि या अंतरानुभावों की संचय विधि। ओके अगर चौथा है व्यक्तिगत इतिहास विधि या प्रश्नावली विधि। तो ओके फ्रेंड्स हमने चार ऑप्शन पढ़ लिए। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है सांख्यिकी विधि और परीक्षात्मक विधि। ओके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे क्या कह रहा है अंतर्दर्शन विधि के गुण क्या हैं या अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं। ओके फ्रेंड्स कैसे भी पढ़ लीजिए बात वही आने वाली है। गुण पूछ रहा है वो क्या है तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है विषय को अधिक आनंद आता है। ओके दूसरा है विषय स्वयं को सहज पाता है। तीसरा है पशुओं पर प्रत्यय प्रयुक्त की जा सकती है। चौथा है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन चौथा वाला सही है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यही लास्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है जो प्रयोगात्मक विधि है वो किस प्रकार की विधि है। तो इसका ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि बाह्य दर्शन विधि शोध विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो सीधे सीधे आप ऑप्शन लगा सकते हैं शोध की विधि है। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बट इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहां पर यूं करके रेड मार्क आ रहा होगा सब्सक्राइब का उसे सब्सक्राइब कर लें और यहां पे एक घंटा आ रहा होगा बेल आइकन उसे प्रेस कर लें फ्रेंड्स क्योंकि जब भी मैं आप ये वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो घंटा को प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नहीं आपका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि जितने भी वीडियो डालने वाला हूँ उन सब में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं और आप उन सबको देखते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70+ लाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स 70+ ओके ये पक्की बात है आप 70+ लेके आएंगे। और मेरा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी गड़बड़ हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ आपके कम समझ में आई। अगर कम समझ में आई हो तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए अलग से एक नया बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके 101% समझ में आए। ओके फ्रेंड्स तो जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो उसको कमेंट करें और आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसके लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा नहीं तो। ओके फ्रेंड्स तो और अगर आपके कोई और फ्रेंड्स हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर भी करें। अगर आप इसको शेयर करोगे ना तो ये जो वीडियो है सबको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो सबको फायदा पहुंचाए तो फ्रेंड्स इसको शेयर भी करना। ओके फ्रेंड्स बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।